एक फलता फूलता देश जहाँ की आबादी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और शिक्षा दर घटता जा रहा है, और ऐसा शायद इसलिए क्योंकि 66% की आबादी अभी भी गांव में बसी हुई है। शहर में पढ़ने वालों को तो शिक्षा आसानी से प्राप्त हो जाती है, लेकिन जो गांव में रहते हैं उन छात्रों को शिक्षा प्राप्त करना बहुत ही कठिनाइयों से भरा होता है। आइए हम आपको ले चलते हैं उन 66% गांवों में से एक गांव में, ताकि आपको पता चले कि एक गांव में शिक्षा प्राप्त करना एक छात्र के लिए कितनी चुनौतीपूर्ण होती है। एडुकेशन यानी शिक्षा, कुछ शब्दों से मिलके बना ये शब्द। मेरे या आपके जीवन में क्या अहमियत रखता है ये तो हम भली भांति जानते हैं, लेकिन एक अच्छा एडुकेशन पाने के लिए जो स्ट्रगल करना पड़ता है ये हमें इन छात्रों से अच्छा कोई नहीं बता सकता। हाँ, ये कहानी है छोटे से गांव से आए हुए इन बच्चों की, जो ना जाने शिक्षा प्राप्त करने के लिए रोजाना कितनी मुश्किलों से जूझते हैं। Our students are from tea gardens and villages where parents are not educated. They find very difficult as they go higher classes. They find difficult to get extra coaching, tuition, teachers. So this is why their performance are good, but as they grow in classes, so they find difficult to coach them. So रोटी, कपड़ा और मकान, इन सब के अलावा अगर इंसान को किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है एजुकेशन यानी शिक्षा, और ये बात शायद इन छात्रों को भी पता है, इसलिए सुबह सुबह ये निकल पड़ते हैं एजुकेशन पाने के लिए यानी शिक्षा पाने के लिए, और इनके सफर में होती हैं बहुत सारी जोखिमें। हमारा घर गांव में है, यहाँ पे कोई अच्छी स्कूल नहीं है। स्कूल पढ़ाने के लिए ब्रिज के उस पर एक अच्छी स्कूल है, वहाँ पे हम बच्चे को पढ़ाते हैं, लेकिन बीच में मेरी बेटी सुबह उठती है, उठ के थोड़ी बहुत पढ़ाई करती है, पानी वगैरह भी इसको अपने ही भरना पड़ता है, फिर रेडी होके स्कूल जाती है रेलवे क्रॉस पे। हमारा घर गाँव में है, यहाँ पे कोई भी अच्छा स्कूल नहीं है, ब्रिज के उस पार एक अच्छा स्कूल है, लेकिन सुबह शाम मेरे बच्चे को रेलवे क्रॉस करके स्कूल जाना पड़ता है, फिर भी हमें अच्छा मेरी बेटी को अच्छा शिक्षा ज्ञान मिल सके बोल के मैं स्कूल रोज भेजती हूँ। जी, शिक्षा ही तो है जो हमें बताता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी किस प्रकार हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहिए, और इसका उदाहरण हमारे ये माँ बाप हैं। ड्राइभर हो, ट्याक्सी गाडी चलाउनु हुन्छ, तर उयो त्यही कमाइले नै दुधवटा नानीलाई पढाउनुपर्छ स्कुलमा, अन्त त्यही पैसाले नै घर पनि चलाउनुपर्छ मैले, अन्त हामीलाई पुरा कष्ट हुन्छ र पनि हामीले राम्रो शिक्षा पाओस् नानीले भनेर चाहिँ यसरी स्कुलहरू पढाइरहेको छु। हाम्रो राम्रो समस्या, हामी सारा दिन कापुर टपुर बिक्री गर्दै लगे, बारी बारी जाए हाम्रो कापुर बिक्री गर्दै लगे, पढे अर्को पढाइतै लगे। বাবা তো কোনো কাজ করে না, টাইপ জ্বর হয়েছিল, আগে ওষুধের গোডাউনে কাজ করছিল, জ্বর হওয়ার পরে থেকে উনি কাজ টাজ কিছু করেন, আমি যে কাপড় টাপড় বিক্রি করে শনিদেবের পড়াশোনার সব। বাবা কোনো কাজ করে না, বাবা টাইফয়েড জ্বরে চোখেও দেখে না কানে শুনে। अगर हम एजुकेशन को पेर माने तो माँ बाप, टीचर, स्टूडेंट सब इसी पेर के तो तने हैं, और इन सब का जड़ है एक अच्छा स्कूल। माउंट जियोन इंग्लिश मीडियम बोर्डिंग स्कूल
उन सभी स्कूलों के लिए मिसाल कायम करता है जो कि गांव में है। We have different challenges. As I said, parents are unable to pay on time, and most of the children are under the considerations. We have some kind of schemes where we give them free education, and also getting teachers, qualified teachers, are always challenge, because this is a village, and qualified, educated people, they like to work in the metropolitan cities. कहते हैं एक अच्छे समाज का निर्माण एक अच्छे स्कूल से होता है, और एक अच्छा स्कूल एक अच्छे टीचर से बनता है। इसलिए माउंट जियोन इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल के शिक्षक भी उतनी ही मेहनत करते हैं जितने की छात्र। I've been working as a teacher for the past 3 years. The time I have joined here, there were only about 150 to 60 students. But presently the number of the students have increased up to 300, and this is what enables us to work harder every day. For me, education is very important, so I'm coming here to give a good education. It's not good only but the qualitative and modernist type of education to the children also, because I also grown up in a very poor condition, so I can know about their family, about their conditions. And हमें हमारा जीवन अपने माता पिता के जरिए जरूर मिलता है, लेकिन एक अच्छा जीवन, एक अच्छा व्यक्तित्व और ज्ञान हमें हमारे टीचर देते हैं, यानी हमारे शिक्षक देते हैं। So I really feel proud to be a teacher of this school. So because all the students are very much talented, they really respect the teachers, they really mean the what is the mean of inner meaning of the teachers. So the school is providing a very good education. The school is providing whatever they can do, and like according to the modern time, whatever the students need, like the karate classes and the music classes and all, though school is small, but they are providing the every kind of education the student need in this 21st century. Of this school, there was no proper classroom, and also there was no facility of electricity. So I appreciate those students who labor hard in their studies. We have well experienced and committed teacher here. इन शिक्षकों की मेहनत हमें बताती है कि कोई भी सपना हमें जादू से नहीं मिलता। एक सपने के पूरे होने के पीछे होती है एक संकल्प और कड़ी मेहनत। कहते हैं एक इंसान की सफलता उसकी कर्मों से आकी जाती है, और इस स्कूल की सफलता हम इस बात से लगा सकते हैं कि गांव में होने के बावजूद भी, इतनी कठिनाइयां झेलने के बावजूद भी, इस स्कूल में पढ़ने छात्र दूर दूर से आते हैं। My name is Dipasna Pradhan and I read in class 7 and I am all the way from Sikkim. I have learned many activities like dance, music, karate, and I enjoy this school a lot. My name is Angel Rai. I study in Mount Zion English Boarding School in class 8. My name is Jani Chetri. I read in class 8. My home is Kalijora and my school name is Mount Zion Secondary English Boarding School, but I stay in hostel because it will be too difficult for me to come all the way from Kalijora towards my school. Teachers in this school, they are very helpful, they are hardworking, and they are plus are friendly with us. They not only give us the education from the book, but they also I am thankful towards my parents for sending me this such a beautiful school. Thank you. मुश्किल का मतलब असंभव नहीं होता, इसका मतलब केवल यह होता है कि आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और आपकी मेहनत अगर सच्ची है तो दुनिया जीता जा सकता है, और यह स्कूल इसी राह में आगे बढ़ा जा रहा है अपनी मेहनत से, अपने लगन से।
छुप के बच्चों में खुदा।